सब्सक्राइब कीजिए टेक डिस्कवरी चैनल को, प्लस बेल आइकन को दबाइए, लेटेस्ट अपडेट पाइए। और आज हम एक YouTube के कस्टम थंबनेल के बारे में जानेंगे और हाउ टू क्रिएट अ कस्टम थंबनेल, और कस्टम थंबनेल की क्यों ज़रूरत पड़ता है ये भी जानेंगे। सबसे फर्स्ट, मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाने वाला हूँ, छोटी सी मुद्दा ले लेता हूँ कि कस्टम थंबनेल वो चीज़ है। मान लिया जाए कि आप किसी दुकान के स्टोर में गए, आप कैसे पता कीजिएगा कि ये दुकान वो चीज़ का है, ये दुकान कपड़ा का है, दुकान चेयर्स का है। उसका जो बैनर है उस पर लिखा हुआ रहता है क्लोथ स्टोर, फर्नीचर स्टोर वगैरह। इसी तरह वीडियो का जो कस्टम थंबनेल होता है, थंबनेल से ही पता चलता है कि ये वीडियो किससे रिलेटेड है, किस चीज़ से रिलेटेड है, टेक्निकल से रिलेटेड है या फिर कॉमेडी से रिलेटेड है, बॉलीवुड से रिलेटेड है। उसी चीज़ का ज़रूरत पड़ता है कस्टम थंबनेल में। तो चलिए बिना समय गंवाए देखते हैं कस्टम थंबनेल बनाया कैसे जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू बाय। मैं इसके लिए पेंट यूज करना चाहिए, सिंपल सी आपको जितना भी पीसी है सभी में पेंट दिया हुआ रहता है। आपको सिंपल होम बटन में जाकर पेंट टाइप करना है। पेंट टाइप करने के बाद पेंट आपका खुल जाएगा। अब यहाँ पर सिंपल से क्या करना है, यहाँ पर रिसाइज कर लेना है। रिसाइज बोले तो आपको थंबनेल के लिए हॉरिजॉन्टल जो होता है वह 640 होता है, वर्टिकल जो होता है 360 होता है। मैं बार बार यहाँ से यूज करता हूँ इसलिए मेरा ऑटोमेटिक ले लेगा। अगर आपका यह नहीं लेता है तो यहाँ पर मेंटेनेंस स्पेस के हटा देना है और फिक्सल पर क्लिक करके 640-360 कर देना है और ओके कर देना है। और यहाँ पर सबसे पहले हम, ये हमारा डैशबोर्ड है, इसको हम क्या करते हैं कि पहले कलर करता हूँ। मैं इस बाल्टी को लेके किसी भी कलर पे क्लिक करने से कलर हो गया। चलिए अब इसके बाद मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट लिखता हूँ। टेक्स्ट के लिए ए बना हुआ, इस पर लिखना है, इसको ड्रैग करके लिख देना है। लिखने के बाद आपको इसको, आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। मैं चलिए इसको पीला लिया और यहाँ तक पीला लेके मैं यहाँ माइनर को मैं एक कलर ले लेता हूँ। यह हो गया। फिर से मैं यहाँ पर ले लेता हूँ एक और, कुछ भी लिख लेता हूँ। और यहाँ से इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। मैं डिफरेंट इसको कलर कर लेता हूँ यहाँ पर, और फ्री का जो है यहाँ पर रख लेता हूँ, वन मशीन फ्री। चलिए मैं इसको भी ऑल कलर हो गया। अब यहाँ से मैं यहाँ पर इसको शेप दे देता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि शेप दें तो दे सकते हैं, नहीं देना चाहते हैं तो नहीं दे सकते हैं। चलिए मैं इसको यहाँ पर पीला लेके ब्लैक से इसको फिल कर देना है। उसी तरह मैं चाहता हूँ इसको भी यहाँ पर पीला को ब्लैक से फिल कर देना चाहता हूँ। और
देखिए, मैं चाहता हूँ इसमें इमेज ऐड हो। तो इमेज ऐड कैसे करते हैं इसको, पहले कर दिया जहाँ पर आप इमेज है आपका ऐड करना चाहता हूँ वहाँ पर जाना है। सबसे फर्स्ट मैं यहाँ पर जहाँ पर मेरा इमेज है वहाँ पर ले चलता हूँ आपको। देखिए इस इमेज को खोलना है पेंट में, ओपन विथ पेंट। पेंट में खोलने के बाद आपको इस सिलेक्ट जो दिख रहा है इस पे सिलेक्ट करके आपको इस ड्रैग करते हुए पूरा को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद कट का जो ऑप्शन है उसको कट कर लेना है और इसको सिंपली डोंट सेव करके छोड़ देना है और इसको बंद करना है। और जहां आपका पेंट जो कस्टम थेमल बनाया जा रहा है तो वहां पर आन के इसको पेस्ट कर देना है। अब ये सिलेक्ट हो जाएगा। देखिए मैंने यहां पर एक इमेज ले लिया हूं, हालांकि मैंने इमेज के जगह छोड़ा नहीं, मुझे छोड़ना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, मैं सिर्फ आपको ये दिखा रहा हूँ कि ऐसे बना सकते हैं। इसको हो गया। देखिए अब मैं एक जरिया बताया कि ऐसे आप पेंट से कस्टम थंबनेल बना सकते हैं। इसमें आप सोच नहीं सकते, दो चार बार आप बना लीजिए कि इतना बेस्ट और प्रोफेशनल कस्टम थंबनेल बनाया जा सकता है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। हर पीसी में लगभग दिया हुआ है, तो टेंशन वाली बात नहीं, सिर्फ आपको इसको यूज करना है कस्टम थंबनेल के लिए। और आपका किसी भी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है, बस आपका बेस्ट से बेस्ट थंबनेल तैयार है। और सिंपली इसको बनाने के बाद क्या करना है, इसको सेव कर देना। सेव PNG में सेव कर दीजिए, सबसे बेस्ट। PNG में सेव करने के बाद यहाँ पर कुछ भी नाम दे के आप सेव कर दीजिए, उसके बाद आप वहाँ पर कस्टम थंबनेल यूज कर सकते हैं वीडियो अपलोडिंग के समय। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कुछ सवाल है तो हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों को बताना चाहते हैं शेयर ज़रूर कीजिए। और आपसे हमारी थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।